नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सर वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे कार्यक्रम में जहां हम देखेंगे देश में चल रहे हालातों को। जी हां, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देश की दशा और दिशा कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का विषय। अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी को मिले 20 करोड़ कैश। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी रही, बंगला तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। इसी कड़ी में ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर भी छापेमारी किया है, जहां से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही रुपए हैं जो शिक्षक भर्ती के नाम पर रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 कीमती मोबाइल फोन और सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन का दस्तावेज भी बरामद किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाने वाली अर्पिता मुखर्जी आखिर कौन है, वो क्या करती हैं और पार्थ चटर्जी से उनका क्या रिश्ता है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी के दौरान 20 करोड़ कैश बरामद किए हैं। वहीं पार्थ चटर्जी के घर पर भी शुक्रवार से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। अर्पिता मुखर्जी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है, हालांकि वह ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल में ही नजर आई है। बंगला के एक अलावा अर्पिता ने ओडिया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अर्पिता सुपरस्टार प्रोसेनजीत और जीत के साथ बंगला फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उसी दौरान वो चर्चा में भी बनी रही थी। इसके अलावा अर्पिता को लोगों ने सबसे ज्यादा उनकी बंगला फिल्म अमर अंतरनाट के में नोटिस किया था और उनके द्वारा निभाए गए किरदार की खूब तारीफ भी की थी। अर्पिता को पार्थ चटर्जी की कानूनी सलाहकार बताया जाता है। जांच के दौरान ईडी के अधिकारी अर्पिता से काफी देर तक पूछताछ कर चुके हैं। इसके अलावा अर्पिता और पार्थ दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन से भी जुड़े हैं। पार्थ चटर्जी कोलकाता की इस लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति का संचालन करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि अर्पिता 2019 और 2020 में दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन का चेहरा रही है। इसी दुर्गा समिति के पार्थ और अर्पिता के तार जुड़े हैं। इस समिति के दुर्गा पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें ममता, पार्थ और अर्पिता मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के छापेमारी ने और अवैध तौर से 20 करोड़ मिलने के बाद बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में नोटों के अंबार की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए है। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय चिन्ह छपे हुए लिफाफों में भी रुपए मिले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इसके बाद दो और ट्वीट किए हैं। इनमें से एक में उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अर्पिता मुखर्जी के साथ खींची गई एक तस्वीर साझा की है। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट में किसी ने तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी पर आरोप लगाते हुए याचिका दी है। चटर्जी पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा भर्ती के तहत अपने 10 करीबियों को अवैध तौर से नौकरी दिलाई है। याचिका के अनुसार ये सभी लोग उनके बॉडीगार्ड के रिश्तेदार हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी को मिली 20 करोड़ कैश। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बंगला तमिल फिल्मों में कर चुकी है काम। बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के घर समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। इसी कड़ी में ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर भी छापा मारा, जहां से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही रुपए हैं जो शिक्षक भर्ती के नाम पर रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 कीमती मोबाइल फोन, सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाने वाली अर्पिता मुखर्जी आखिर कौन है, वो क्या करती है और पार्थ चटर्जी से उनका क्या रिश्ता है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 20 करोड़ कैश बरामद किया है। वही पार्थ चटर्जी के घर भी शुक्रवार से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। अर्पिता मुखर्जी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है, हालांकि वह ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल में ही नजर आई है।
बंगला के अलावा अर्पिता ने उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अर्पिता सुपरस्टार प्रोसेनजीत और जीत के साथ बंगला फिल्मों में काम कर चुकी है और उसी दौरान वो चर्चा में रही। इसके अलावा अर्पिता को लोगों ने सबसे ज्यादा उनके बंगला फिल्म अमर अंतरनाड में नोटिस किया था और उनके द्वारा निभाए गए किरदार की तारीफ भी हुई थी। अर्पिता को पार्थ चटर्जी की कानूनी सलाहकार बताया जाता है। जांच के दौरान ईडी के अधिकारी अर्पिता से काफी देर तक पूछताछ कर चुके हैं। इसके अलावा अर्पिता और पार्थ दुर्गा पूजा समिति नकटला उद्यान से भी जुड़े हैं। पार्थ चटर्जी कोलकाता की इस लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति के संचालन करते हैं। बताया जा रहा है कि अर्पिता 2019 और 2020 में दुर्गा पूजा समिति नकटला उद्यान का चेहरा रही है। इसी दुर्गा समिति में पार्थ और अर्पिता के तार जुड़े हैं। इस समिति के दुर्गा पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें ममता पार्थ और अर्पिता मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के छापा करने और अवैध तौर से 20 करोड़ मिलने के बाद बंगाल के भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में नोटों के अंबार को तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय चिन्ह छपे हुए लिफाफों में भी रुपए मिले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इसके बाद दो और ट्वीट किए, इनमें से एक उन्होंने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की अर्पिता मुखर्जी के साथ खींची गई एक तस्वीर साझा की। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट में किसी ने तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी पर आरोप लगाते हुए याचिका दी है। चटर्जी पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा भर्ती के तहत अपने 10 करीबियों को अवैध तौर से नौकरी दिलवाई है। याचिका के अनुसार ये सभी लोग उनके बॉडीगार्ड के रिश्तेदार हैं। तो देखा दर्शकों, आपने क्या है आज देश में चर्चा का विषय। ऐसे ही रोजाना देश में चल रही खबरों को देखने के लिए देखते रहे देश की दशा और दिशा और जुड़े रहे MNS News Live के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।